एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सहम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सहम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सहम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सहम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच अब चलनी मतारी गुरु नानक नित नित जड़ सवाई अब चलनी मतारी गुरु नानक नित नित चढ़े सवाई अब चलनी मतारी गुरु नानक नित नित चढ़े सवाई अब चलनी मतारी गुरु नानक नित नित चढ़े सवाई सवाई अब चरणीम हरी गुरु नानक नित नित चढ़े सवाई अब चरणीम तरी गुरु नानक नित नित चढ़े सवाई बोलो नित नित चढ़े सवाई खसम की पूरी होई प्रमाण नित नित चढ़े सवाई पार ब्रह्म खसमाना किया ए उसदी वड़ियाई दात खसम की पूरी होई नित नित चढ़े सवाई पार ब्रह्म खसमाना बोलिया करो जिसदी वड़ी वड़ियाई राम आद जुगाद भगतन का राखा सो प्रभ भया दयाला जी जंत सब सुखी बसाए प्रभ आपे कर प्रतपाला
दै दिस पूर रहे आजस स्वामी कीमत कहन ना जाई। कहु नानक सतगुर बलहारी अब चल नीव रखाई। जी कहो नानक सत गुर बलहारी जिने अब चल नीव रखाई। जे घर मजबूत बनाउणा है ते घर दियां नीवां तगड़ियां रखो। जिन्नियां मजलां तुसी लेके जानियां उन्ना नीयां च खपा दिओ। जिन्नियां नीयां मजबूत होणगियां उन्ने ही उच्चे महल उसरनगे। जे नीयां कमजोर ने ते महलां नूं महल कोई सेफ नहीं। सब तो पहलो नी मजबूत करो कि तुहाडा खसम वड्डा है, तुहाडा सतगुरु पूरा है, तुहाडा साहिब डाढा है, वड्डा है साहिब समर्थ है। जिसदा साहिब वो भी साहिब, जिसदा साहिब डाढा होए वो भी साहिब है, जिसदा साहिब नंगा भुखा होए तिसदा नफर कितों रज खाए। जे साहिब नंगा भुखा है जो पढ़ियो जो साहिब कर होवे, जिसदा साहिब नंगा भुखा होए साहेब कार हो गई। साहेब जिसका नंगा भुखा होवे तिसदा नफर किथों रज खाए। जे साहेब के करवत होवे सो नफरे हथ आवे, अनहोंदी किथों पाए। जिस दी सेवा कीती फिर लेखा मंगिए, सा सेवा औखी होई। नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई। नीयां मजबूत होण जे महल उच्चे सार नहीं, जमीन बनाई सवारी होवे ते फसल भी बहुत होएगी। जे एवें ही बीज पाता है ते फसल भी नहीं होनी। कहिंदे ने संगत करो, कहिंदे दुध पियो छाण के ते गुरु करो जान के। ਐਵੇਂ ਨਾ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵੀ ਨਾ ਸਹੁਰੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਸਹੁਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅਜਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ
भारी सप्प है। सतगुरु कहन लगे भी देखिया भाई इनू इन्ने कीड़े मकौड़े खा रहे ने, इंदा कोई हिसाब किताब तो होएगा ना, कोई लेना देना तो होएगा। जेड़ा अज इन वढ़ वढ़ के ज्यौंदे नू खांदे पए ने, कहिंदे महाराज सिख कहिंदे सच्चे पातशाह तो तुसी जाणदे जी। सतगुरु कहन लगे ये असी बड़ा महंत संत बड़ी लोग इंदी पूजा करदे सी, इंदियां फोटो तस्वीरां घरां च रखदे सी, पूजदे सी इहनूं, आपदी माया देंदे सी, उहनां ने इहनूं गुरु मन्निया होया सी। कहिंदे भगती नहीं सी, बंदगी नहीं सी, गुरु नूं नहीं सौंपिया सी सब कुछ। कहिंदे होनी चाहीदी है साधु दे विच कि एक तां अपना आप खसम नूं सौंपे, मालक दा बन के रवे, दूजा नाम जपन वाला होवे, नाम जपदा होवे ते जपौंदा होवे। सतगुरु कहिंदे ने कम की है महापुरखां दा, संतो हर 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 अरादो, हर अराद सबो किश पाइए कारज सगले साधो। तुहाडे भी कम पूरे होणगे, तुहाडे संगियां दे भी पूरे होणगे। जे तुसी नहीं जपोगे जपाओगे नहीं ते फिर गुरु महाराज दे हुक्म तो उल्ट हो जावांगे। महापुरखां ने सानू कोल बिठा लिया, बाबा खेम सिंह जी ने कहिंदे भी तुहाडी गुरु साहब ने ड्यूटी लाई है, कोई पता तुहानू उहदे बारे? मैं कहा जी सानू तां कोई समझ नहीं सोझी नहीं, ते आप जी कृपा करो भी की साड़ी ड्यूटी गुरु साहब ने लाई है, असी करांगे, असी गुरु साहब दा नहीं मनना, असी मनना किन्ना है? कहिंदे गोली किंदी ते गहने किंदे, तेरी गोली तेरे गहने। कहिंदे भी गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे आ तुसी एक काम करना, गुरु साहब ने तुहाडी ड्यूटी लाई है, चेते आ तुहानू? मैं कहा जी नहीं, आप जी कृपा करो। कहिंदे साजन संत करो ये काम, ऐ सजनो संतो आ काम करो, आण त्याग जपो हर नाम, सब पासे त्याग करके ना ते हरी दा नाम जपो, ये तुहाडी गुरु साहब ने ड्यूटी लाई है। आण त्याग जपो हर नाम, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपाओ। उन्होंने कहा भी सुख पाउणा है ते नाम जप के सिमर के पाओ। आप जपो ते संगतां तो जपाओ, ये तुहाडी ड्यूटी। महाराज कहिंदे इन्हें नाम नहीं जपया, संगत तो नहीं जपाया, ये लालची गुरु सी, ये मान बड़ियाई प्रभुता दा भुखा सी, ये लोकां दियां पूजा लई जांदा सी, खादी जांदा सी, पर देण जोगा नहीं सी। अज ये मर के बड़ा भारी सप बनिया है, ते सेवक इहदे मर के लेखा लैण वास्ते इन्हें सेवकां नूं खाधा सी, अज सेवक नूं खाण वास्ते कीड़े मकौड़े बने हैं। आखो श्री वाहे, ये तड़फ रिहा है, ऐसी ना होवे कि पूजा का धान ही खाई जाइए।
ना जपिए ना जपाइए। अपना आप सौंप सतगुरु नूं ते दूसरा जपया कर ते जपाया कर। एक अपना आप गुरु नूं सौंप दे, बन जा किसे दा, किसे खसम दे बन के रही दा। आम मुहारे नहीं फिरी दा। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज अंदौर वाला सरदार सी, गड्डी ओ चला रहा सी। बाबा जी किसे पंजाब तो बाहर सन, ते कोई रुके बाबा जी उतर के सैर करन लग जांदे सी, जां मौज आउंदी किसे नूं तारना हुंदा सी। जिथे रुके उथे एक बच्चा ना माल चार रहा सी, माल पशुआं नूं मझां गावां नूं कहिंदे आ, वो चार रहा सी। पहलों सारे पशुआं नूं चराउंदे सी बाहर, ये पशुआं दा बाहर चरण खुले ते इन्हां नूं दवाइयां बूटियां दी लोड़ नहीं पैंदी। वो चार रहा सी बाहर ते गीत गा रहा सी। बाबा जी नूं उहदी आवाज़ दे गीत बड़े ही सोहणे लगे। बाबा जी कहिंदे इहनूं बच्चे नूं बुलाओ। को उस माल चारन वाले शेड़ू नूं बाबा जी ने सद लिया। साडे इलाके की बोली भी माल चारना, जिहड़ा माल चारदा उहनूं शेड़ू कहिंदे आ। मैं भी छोटा सी सारियां तो, मेरे अगे ला देंदे सी मझां गावां भी जा तू चार लिया जा के। स्कूलों आउंदिया जां छुट्टी वाले दिन पशु बहुत सी ते माल चारन वास्ते लै जाईदा सी, खुल्लियां थावां हुंदियां सी। बाबा जी ने उस माल चारन वाले शेड़ू नूं बुला लिया। कहन लगे भी तू गाने बड़े सोहने, आवाज तेरी बड़ी वधिया, सानू गीत सुना कोई। उन्हें फिर बाबा जी नूं ना, बाबा जी बैठ गए मस्ती दे विच सज के, क्योंकि महापुरश गीत संगीत दे आशक हुंदे आ। उन्हें फिर गीत गाया, जिंदगी उसी की जो किसी का हो गया, प्यार में खो गया, पता नहीं इस तरह है, इस तरह ही ना गाना है। जिंदगी उसी की जो किसी का हो गया और प्यार में खो गया। बाबा जी ने उन्होंने सारियां पंक्तियां बार बार सुनिया, दोहरा के कहिंदे दोबारा फिर सुना, इन दोबारा फिर सुना। वाह वाह कहिंदे वाह वाह, किन्नी गल पते दी कह देने आ, मजेदार कह देने आ, स्वाद वाली कह देने आ। उंदियां झोलियां भरतियां प्रसाद नाल, बस्तर बस्तर जो कुछ पै सी उहनूं देता सारा कुछ। कहिंदे बस आहाई कि बाकी जिंदगी नहीं, जिंदगी उसे दी है जेड़ा किसे दा बन के रहिंदा है। कहिंदे फरीदा तू बड़े धक्के खाड़े, बारह बारह साल खड़ा रहा जंगल च। कहिंदे खड़ के लकड़ बन गए, ते लकड़ा कट्टण वाले ने आण के कुहाड़ा मारिया। ते बाबा जी ने फिर उत्थे श्लोक भी चारिया एक, उस प्रति जिन्हें कुहाड़ी मारी भी लकड़े सुकी,
पर है सी बाबा फरीद जी सोके प्यार दे विच लकड़ वर्गे हो गए बंदगी। कहिंदे 12 साल पत्ते सूद सूद के खादे, 12 साल कठिन तपस्या कीती, 12 साल बचपन दे 36 साल बीत गए सी। चिड़िया नूं आखिया मर जो मर गईयां, जे क्या जींदियां हो जो जी पईयां। हो गया भी हुण मैं प्राप्ति पा कर ली, हुण मेरे कहे हुए वाक पूरे होण लगे ने, हुण मैं प्राप्ति च हो गया, माण हो गया। रब अपने प्यारे हन आप समत देंदा है। प्यास लगी खूह ते गए, एक बीबी पानी भरी जा रही सी, डोली जा रही सी, डोली जा रही सी। इन्हां ने पानी मंगिया, उन्हें क्या भी रुक जाओ साईं जी, फिर आवाज दिती, फिर उन्हें क्या भी रुक जाओ, प्यास बड़ी लगी सी, फिर क्या फिर रुक जाओ। इन्हों आया ये कौन है ऐसी जिन्हू महापुरशा की भी कदर नहीं, पानी भी नहीं पिया रही, एवं ढोली जा रही है। मन च आया भी जे चिड़िया कह तो मर गई सी, जींदियां हो गई सी, इन्हू भी करना ही पैना कोई साफ किताब। जो उन्हें सोची तो वह वेख उन्हें टेढ़ा वेख्या, साई जी इत्थे नहीं चलनी, इत्थे नहीं तुहाडी चलनी, ये जंगल दियां नखसमियां चिड़ियां नहीं, खसम वालियां, ये नखसमियां चिड़ियां नहीं, खसम वालियां इत्थे नहीं चलनी, ये कोई चिड़ियां नहीं के मार के जवा दोगे। हुण बहुती खिच पैगी भी इहनू किवें पता, इन्नी दूर वाकया होया इत्थे इन्नू किवें पता है। हुण इसदी प्यास लागी भी इन्नू पुछिए तेरे च एडी अंतरजामता किवें आ। उन्हें पानी समाप्त कीता, क्या साईं जी पानी पी लो। बाबा फरीद जी कहिंदे पानी दी तां प्यास हो गई खत्म, पर पहलो मैनू दस कि तेनू किवें पता मैं चिड़िया मारियां ते जवाइयां, ये तेरे च बल शक्ति किवें आया है, किन्ने कु साल तू घर बार छड़ के जंगलों च तप कीते, किन्ने कु साल तू अणकठन तपस्या कीती है, जिहड़ी तेरे च इन्नी शक्ति आई कहिंदी कोई नहीं कीती, ये बल शक्ति मैनू अपने पति की सेवा तो प्राप्त होया। जदों तो मैं पति दे संग लगी हाँ दूजे पासे वेख्या नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी समत देंदे ने, कि जदों तो गुरु ने कृपा की है निज नारी किवें नेहो संग बढ़ियो, पर नारी की सेज भू सुपने होना जाइयो। ये पढ़ियो माड़ा जा, निज नारी के संग नेहो नित नेत बढ़ियो, मुड़ तो पढ़ियो। सुध जब ते हम तरी, जदों तो सानू सुरत आई है ना उदों तो असी गल कर रहे हैं, जदों तो ही सुरत आई सानू। बचन गुर तय दए हमारे, बचन गुरुआं ने मैनू दिते, पूत एह प्रण तो है
प्राण जब लग कट थारे कि ये कर्मी जब तक प्राण है ना शरीर च उदों तक इस बचन नू मनना है। निज नारी के साथ नेहो तुम नित बढ़ाइयो अपनी औरत दे नाल ता प्रेम करियो पूरा नित नित पूरा प्रेम रखियो अपनी पत्नी नाल पर नारी की सेज भूल सुपने हो ना जायो पराई औरत दी सेज ते भुल के किते सुपने च भी नहीं जाना पर नारी के भजे सहस बासव पग पाए फिर अगे दसिया कि पराई औरत दे पिछे किन्ने किन्ने अपना बंदगी गुवाड़ी किन्ने अपनी जीवन धन गुवाड़िया किन्ने सब कुछ गुवाड़िया बुरी बुरी दृष्टि दे नाल पराइया औरतां संग नेहो करन ते किंदी किंदी सत्यानाश हुई है। ये गुरु साहब ने समाध दिती वो कहन लगी जदो तो मैं पति दे संग लगी हाँ भा पति तो सिवा मैनू कुछ पता नहीं उन्दी शनान पानी चरण धोने प्रशादा छकाउणा उन्दी अडीक करनी कहिंदे मैं अडीक तेरी इन्नी कर रही हाँ खड़ी निहाली पंत मत मूँह सज्जन आवे दरवाजिया से खड़ खड़ के तेरी उड़ीक कर दी हाँ। यह पहलो बड़ा प्रेम हुंदा सी बीबिया का पति औरत का मैनू तो अपनी माँ बारे पता है कि बाप साडा शराब पीने वाला सी शराबी कबाबी सी बहुत लेट आउंदा सी बाहरों ते माता जी सानू सारयां नू प्रशादा छका के ना ते बूए च खड़े होंदे सी दरवाजे च दलीचां ते खड़े होंदे सी बाहर आण के खड़ जांदे सी रस्ते वलों नू देखदे सी वी कदों आउणगे फिर उन्हां नू आयां नू जल पानी देना पैर पूर धोने बिस्तरा बिछा के प्रशादा छका के असी भी सुख नाल सत अठ जने सी ते सब नू सब दी सेवा संभाल करनी जिन्ना औरतां दे बच्चे बहुत सन उन्हां नू तां कोई फुरदी नहीं सी ऐसी वैसी हुण तां बच्चियां नू जमदे आ 15 कु साल उन्हां नू संभालदे ने 15-18 साल शादी तो बाद एक दो बच्चे होंदे आ 18-20 साल दोनों जवाकों बाहर भेज देंगे पति पत्नी आप फिर मुंडा कुड़ी बन जाते ऐश प्रस्ती करते बच्चों का पै हों बंदा पैसे च रहा है सही रहा बच्चों के नाल बच्चों भेज के फिर मस्तियाँ मारते है तो गुणा दिया पंडा ने जिन्या मर्जी तुम चक लो महापुरखा ने एक राजा आया सी ते पेशाब करके हटे सी ते उन्हूं कहन लगे भाई वो आया कहन लगे पीला चक के बाटे जे अद्धे भांडे च कीता सी कड़े टुटे च भी चक पीला वो कहिंदा जी ये तां पेशाब है चल बई तेरी मर्जी है पर एक गल सुन ला जे तू अज ये पी लैंदा ते तू जिंदगी भर मूत नहीं पीना सी हुण तू पेशाब ही पीवेगा सारी उम्र फिर उन्हें 300-400 शादियां कीतियां औरतां लियां दियां मूत ही पीता होर की कीता विष्टा का कीड़ा विष्टा माहे समावे जिन्ना मावां दे बच्चे इस तरह ने वो तो फिर संभाल बच्चियां दे पिछे पति दे पिछे घर दे लीड़े कपड़े धोने ते वाहगुरू उन्हां दी सेवा सफल करे। मैं कहना माता पिता दी पिता जी भी साढ़े फिर लैण ते आ गए ये माँ दी ही बंदगी सी जिहड़े उह लैण ते आ गए गुरु साहब ने कृपा की थी
बाबा तंत महापुरख ही ऐसे मिल गए। उन्हें मैनू तो तारना सी, मेरे परिवार माँ बाप भैन भाइयों ने भी तारिया, उन्हें साडे परिवार को तो तारना सी, उन्हें साडे पिंड को भी तारिया। ऐसे महापुरश मिले, उन्हें पिंड का तारना सी, साडे इलाके को भी तारिया। जिरिया सानू बनाया, जिरिया सानू ही बना के बाबा जी ने दास नू सारे इलाके नू मंदरां दे इलाके नू तारिया, ते कृपा कीतियां संगत नू जोड़िया, बुलाउंदे रह लिया। ओ सानू भाई डरे थे, पार्टियां बहुत है, बंदियां दी लोड़ है, पहरेदार लिया। ओ डर इधर कादा सी, डर तां उधर चकणे सी, लोड़ इहनां नू की सी, लोड़ तां हैगी सी उहनां लोकां नू तारना सी। बस ऐसे गुरदेव जिन्होंने इन्नी मेहर की, कृपा की, एक इलाका ये नहीं जिथे मेरे गुरदेव मैनू भेजते सी ना, ते इन्नी अपनी पिछों शक्ति छड़ देंदे सी, इन्ना बल छड़ देंदे सी कि सारे इलाके नू ही तार लेंदे सी अपने बल नाल। असी उन्हां दे बल ते ही भज्जे फिरदे सी, उस साईं दा ही बल सी, मालक दा ही बल सी। उन्हें कहा भी साईं जी, मैं अपने स्वामी दी सेवा कीती है, स्वामी दे चरण तो तेने पति दी सेवा, पति दा संग कीता है, दूजे पासे तकिया नहीं, एहो जी मेरी प्रीख्या हुई, इन्नी कठिन प्रीख्या भी हुई, पर कहिंदे ने जे तुसी भरोसा रखोगे ना सच्ची प्री मर्यादा दे किसी थां ते रह के, तुहानू रब रंग भाग लाएगा। अपने गुरदेव ते गुरु ते भरोसा रखोगे ते परमेशर देण वाला है दाता, वो झोलियां भरदा है। कहिंदे जी मैं तां, वो कहिंदे मैं तां 36 साल तप कीता है, वो कहिंदी मैं तां कुछ साल ही कीता है, पति की सेवा की, तन मन विछा के रब का नाम सिमरद्या हो, प्रभु आराध्या हो, पति की आग्या तो इंच बार नहीं कदम पटिया, मेरे तो थोड़े चेर च हो गई। बाबा फरीद जी कह लगे, फिर मैनू भी दस बई तू निगाली, तू अख वाली है, तेनू दिसदा है, और मेरा केड़ा खसम मैनू तारेगा, मैनू दस दे। जेड़ा खसम मेरी बाँह फड़े ते मैनू वो अल्लाह दे देश विच ले जावे, जिथे मैं मेरियां सारा खत्म हो जाण, जिथे सब काम क्रोध लोह मोह अहंकार दुनिया दियां वासना आसा चिंता सब खत्म हो जाण, ते निरंकार के देश जाए तां सुख लै महल। एहो जी कर सेवा चाकरी कि तू रब दे देश जाके मैल लवें ते सुख लवें, तेरा परलोक सौर जावे, लोक भी सौर जाए। बाबा फरीद जी शकरगंज, उन्हें कहा भी जा फिर, इस वेले महापुरश करनी वाला बैठा है, अल्लाह दा प्यारा है, रब दा प्यारा है, अजमेर च बैठा है। उन्हूं बहुत हिंदू बादशाह ने राजियां ने उन्हूं बड़ा सताया, बड़ियां उहदी प्रीख्या हुई है। अजमेरी महापुरश कहिंदे उन्हां नूं मुसलमान बहुत मानदे, अजमेर दे सन। बाबा फरीद जी उन्हां दे नाम सी पता नहीं, मुहाजुद्दीन एवें करके सी, आप ख्वाजा पीर सी, मुहाउद्दीन इहो जिहा नाम सी, बड़ी बंदगी वाले सी, बड़े ही उन्हां दे कामल महापुरख होए उन्हां दे सेवक। साढ़े बाबा जी दे सरूप सन, महापुरख उत्थों ही तप कर करके फिर इस सरूप च आए ने, धन बाबा महरनाम सिंह जी। ऐसियां ये शक्तियां सन,
सौ जन्म तक बाबा जी ने कहा सी भी मुसलमान घराणिया च भी जन्म लिया है, राजे महाराजे भी बने आ, पर कीती कमाई परमेश्वर दी है। आज सौ जन्म बाद फिर आ निरंकार ने ड्यूटी लाई है। बाबा जी कहिंदे सी, बाबा ईश्वर सिंह जी कहिंदे सब तो वधिया पत्थर हुंदा संग मर मर, संग मर मर कहिंदे उहनूं, कहिंदे उह संग मर मर एवें नहीं बणदा, उह बड़ी बड़ी कुठालियां पै पै के टल टल के बर्फ पै पै के सुख सुख के कहिंदे संग मर 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 के संग फिर उह संग मर मर बणदा, वाइट होंदा है पूरा ते उंदी फिर बहुत कीमत होंदी है। संग मर मर एवें नहीं बनता, महापुरशां दी भी बंदगी होंदी है। कहिंदे ओ महापुरख ने अजमेर विच ने, फिर बाबा फरीद जी ने उन्हां नूं आपदा तन मन सौंपता, सेवा च लग गए। फिर गुवाणी गुरबाणी दीआं पंक्तियां गवाही देंदियां ने कि उत्थे की कुछ होया। तो बाबा फरीद जी ने मरातबे पाए, रब दा खुदा दा रूप ही हो गए, जिन्हां दी फिर पीढ़ी चली बाबा फरीद जी दी, जिन्हां दुनिया नूं तारिया, जिथे जांदे सी बस नजरी करदे सी उह दीन कबूल कर लैंदा सी। हिंदुस्तान दे विच बाता जिहड़ा इस्लाम धर्म नूं फैलाया ना, वो बाबा फरीद जी सन, पूरे कट्टड़ मुसलमान जिन्हां ने एक वारी भी आपदी बाणी विच राम नहीं किया, केवल खुदा अल्लाह दी गल ही कीती। उन इन्ने कट्टड़ सन जिवें बाबा कबीर जी जां इन्हां ने अल्लाह दा नाम किया होर कहे। बाबा जी एक बाबा फरीद जी कोई ते ही आशक सन, इको भरोसे दे सी। ये है कि जिन्हां दे सिर दे मालक खसम है ओही मुराद पिया दे पहुँचते। दास निन मेरो निज रूप, कहिंदे किते भुलेखे जना रहा जी, जे तुसी पुछो, नामदेव जी ने पुछया सी भी दसो महाराज तुसी कदी कुत्ते दे रूप च, कदी किसे तरह दे रूप च, कदी मिस्त्री बन के आ गए घर बनाउण वास्ते, कदी कोई रूप धारिया, कदे बड़े शेख बन के आ गए मुसलमान, अनेकां रूपां च मैं दर्शन कीते आ, पर मैनू दस दिओ जी महाराज अकाल पुरख प्रभु जी तुहाडा रूप किहड़ा है, तुहाडा रूप किहड़ा है। ते फिर उन्हां ने कहा है, पढ़िओ करो, दास अनिन मेरो निज रूप, अनिन दास अनिन मेरो निज रूप, मेरे दर्शन करने हैं ते जेड़ा मेरा दास बने ना उन्दे दर्शन कर लो, मेरा रूप है। धन बाबा आनंद सिंह जी, धन बाबा ईश्वर सिंह जी, धन 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 बाबा कुंदन सिंह जी महाराज, ये रब दे प्रभु दे रूप जिन्हां ने वेख लो की कौतक कीते आ, की सन उन्हां दी मौजां ते की सी उन्हां दी रमजां।
एक बारी बाबा जी चले गए सी सचखंड नूं ते मैं बड़ा मन च बड़ा विराग आ गया कि मैं अजे भड़कदा जी फिरदा कदी मंदरां कदी मसीतां कदी रमेश्वरम कदी लुधियाना कदी किते कदी किते बाबा जी कोई टिकाणा जिहा दे के नहीं गए बहण वास्ते। वैसे तो कहिंदे सी वी मंदरां पहलों कहिंदे सी लुधियाना तेरा घर है फिर मंदरां तेरा घर है फलाना तेरा घर है जिथे छड़दे सी तां मन विच ऐसी आई। पर उदों पता लग्या जदों पुछो साहब दी सेवा मिली सारी विरोधता हो चुकी सी पूरी सारे डट के पासे खड़ गए सी वी ए नहीं सेवा लएगा पुछो दी। बाबा खेम सिंह जी किसे उन्हूं कह गए ने उन्हूं कह गए आम सारी पूरे दे पूरे सारे विरोधी हो गए सी पूरे दे पूरे कोई भी नहीं सी मेरे नाल। तब मैं उत्थे बाबा कुंदन सिंह महाराज दे चरणा दा ध्यान धरिया कि हुण तां पूरे दे पूरे सब विरोधी हो गए ने एक भी साथी नहीं। ते धन बाबा कुंदन सिंह जी ने की कौतक वरताया बारो संत आए हरनाम सिंह जी तख्त दे जथेदार हरखोवाल दे बाबा जगजीत सिंह जी बाबा मियां सिन्हा दे वल्लों महापुरख आए ये पांच सात जने जिहड़े सी ना उन्होंने मैनू उतारता सी ड्यूट मैक मूक खोले सी भी स्टेज सैकटरी भी नहीं कर सकता तू ते ओ सारे महापुरश जिहड़े सी ना संत बलजीत सिंह जी सी दादू वालिए ये जिन्ने सी सारे इकट्ठे हो गए ना इन्होंने आण के गद्दी साहब ते जाके मत्था टेका उन्होंने कहा दिखा दिओ कोई है तां इत्थों दी सेवा करन वास्ते ते इही है। पता सी इन्ने चिर तो महापुरखां ने सेवा ते लाया उन्हां फिर फड़ के मैं कहा सी वी मैं पग नहीं बनाउणी गद्दी नहीं लैणी ते बाबा जी दा ध्यान धर के दास बैठा सी तां उस समय बस महापुरश आए उन्होंने आदियाँ सिर ते दस्तारां सजा दियां ते सारा कुछ करता जो करता ते कहिंदे जी लो हुक्मनामा ग्रंथी सिंह नूं। ग्रंथी सिंह ने उस समय जिहड़ा हुक्मनामा लिया ना मैं भी हिल गया दुनिया तां हिलनी सी दास भी उस हुक्मनामे नाल हिल गया कदी भी उह ना पहलो हुक्मनामा किसे तों सुणिया ना ही बाद च उस दिन ही हुक्मनामा आया। हुक्मनामा आया जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए सुख सहज सेती घर आओ एक गल टुकदी सी आनंद मंगल गुण गाओ सहज तुन नेचल राज कमाओ ते संत हरनाम सिन्हा दियां भी अखां भर आईयां संत जगजीत सिंह हरखोवाल वालियां दियां उन्होंने कहा मैनू कहन लगे देख तू मनदा नहीं सी ना देख गुरु साहब की कह गया आखो सी कहिंदे सुन सुन बाबा कहिंदे बाबा सुन हुण गुरु साहब की कह गया एक एक पंक्ती ने हिरदा वलूंदरता एक एक पंक्ती गुरु साहब दी जिंदगी दे विच बाबा कुंदन सिंह जी ना हुंदे ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ना हुंदे ते मेरी जिंदगी की कख भी नहीं होना सी। हर मोड़ ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विचों आवाज़ आई है जांदे जांदे असी किधर ते जांदे किधर ते की रोज़ ही कृष्णे ने अज भी कल भी हर जिंदगी दे सफर दे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सतगुरां दे प्रतख जोत दे कृष्णे ने जिन्हां ने ऐसे बचन दे के ते फिर सिर ते हथ रखिया है ते बाबा जी आपे सेवा लायन आपे बख्श करें सभना का माँ प्यो आप है आपे सार करें
ये साड़ी वडियाई नहीं, ये वडियाई मेरे साहिब दिए, मेरे सतगुरु दिए। सारे जुगो जुग टल सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब साढ़े मुरशद। एवें नहीं तेरह तेरह वरी गुरु ग्रंथ साहब की सेवा करते रहे, हुक्मनामा लेके जिधर नू तुरदे सी नहीं तो गड्डिया खड़िया रह जाते, प्रोग्राम बने रह जाते, जाते नहीं सी। तो गुरु ग्रंथ साहब की सेवा में हर कदम च ही भजे जाते दिन से कई बारी। तो बस वो सानू ये करनी कमाई करके तो सानू दस गया कि आ युग दे विच जे कोई गुरु तुहानू पार लाएगा, तुहाड़ी बांह फड़ेगा महापुरश दे हुंदिया, महापुरख तो बाद ते साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने जेड़े तुहाड़ी बांह फड़ के रखणगे, तुहाड़ी जिंदगी दा हर सहारा बने रहणगे। ते गुरु साहब ने पढ़ लो, आपे सेवा लाए आपे बख्श करें। आपे सेवा लायन आपे बख्श करे, आपे सेवा लायन आपे बख्श करे, मा प्यो आप है आपे सार करे, आपे बख्श करे, सपना का मा प्यो आप है आपे सार करे, आपे बख्श करे, आपे सेवा लायन आपे बख्श करे, आपे सेवा लायन आपे बख्श करे। पहलो महापुरुष मिले बाबा सुंदर दास जी, फिर बाबा कुंदन सिंह जी महाराज, वो गुरु नानक देव जी दे सपुत्र श्री चंद तो बरसाए हुए सी, फिर बाबा कुंदन सिंह जी महाराज। तो महापुरशा तो सारिया की बख्शिश कृपा मिलती रही है, किनका किनका बस किसी तरीके बस बचन सुन के यो कृपा कर देंगे, मेहर कर देंगे। बाबा ठाकर सिंह जी महापुरखा तो रात को 12 बजे इशनान करके हटे सी, असी चले गए, पता ही नहीं उन्होंने मौज रेंदे सी की बचन करते। लुधियाने समागम हो रहा सी, बाबा मीहां सुनी आए हुए सी, ते असी जदों समाप्ति तो बाद असी क्या भी दर्शन कर जाइए रात को, वो इशनान कर लगे सी ते सानू जिहड़े हजूरी सेवक सी वो लै आए जिथे वो बह के गुरु नानक साहब दा आसन लगा सी बंदगी करते सन। फिर जदों आए बाबा मीहां सिंह जी, उन्होंने फिर सारा पूछया की करते जे, किन्ना कीर्तन, किन्ना पाठ, किन्नी ड्यूटी, सारा कुछ करके बस उन्हें शाबाश देनी सी। पूछया मैं दसिया जी इन्हें घंटे कीर्तन की ड्यूटी, असी उदों तकरीबन 3:30 कीर्तन शुरू कर देंदे सी अमृत वेले, ते इधर जिथे समागम हुंदा सी उत्थे बाबा मीहां सना जिहड़ा अमृत वेल का कीर्तन होंदा सी, वो साढ़े तो अद्धा पौना घंटा लेट होंदा सी। ते कीर्तन दियां ड्यूटियां पूरियां सारियां शाम सवेर दियां, पर होमे ना आवे महापुरश को, मेरी थोड़ी जी किनका को होमे आ गई भी असी कीर्तन वध करदे आ, इन्हां कोल घट होंदा है, फिर मेरा उन्हां तो भी घट हो गया। मैं कहा जे वो ना करदे होमे का किनका, महापुरश किस मौज रहन, किस रजा दे रहन, किवें करन, उन्हां बारे कोई क्या आड़ी जा सकता कि उन्हां दी
एक वाहगुरु साढ़े सारा दिन कहण दे वाहगुरु तो भी उत्ते आ उन्हां दी एक माला भी एवें महापुरखां तो बख्शिशां कृपा मिलदियां रहियां हर द्वार भी महापुरख सी दीन दयाल आश्रम सी संत अवतार हरी जी ते मेन मुख बाबा कुंदन सिंह महाराज ने कृपा जो सेवा की थी सेवा करवाई बाबा कुंदन सिंह जी ने जो बख्शिश की थी कृपा की थी सेवा करवाइया ते फिर बाबा खेम सिंह जी ने उन्हें होर मजबूत किया ता दास ने शुरू किया सी कि अबचल नीम तरी गुरु नानक नित नित चढ़े सवाई राम जे नीयां मजबूत ने साड़िया ते मैल भी मजबूत बनगे जरूर जे असी किसी खसम दे बने हुए हैं जिन्हां नीयां सारिया महापुरशां दा छाया है धन धन बाबा कुंदन सिंह जी ने मजबूत कराइया ने धन धन बाबा खेम सिंह जी महाराज ने उसनूं होर पक्कियां करता कि कलयुग दे विच हनेरियां वगदियां ने ते इन्हां दियां नीयां मजबूत रहन मैल तां आपे उसर जाणगे नीम मजबूत होंदी साधु दी संगत करके सेवा कमा के बंदगी करके फिर ही कोई किनका प्राप्त हो सकता है जे ओह चाहुण ते करन ना लिखे लाउण ते ना बस उन्हां दी मौज है ओह गुनाहां नूं भी गुण लिख देंदे आ औगुणां नूं भी गुण लिख देंदे आ पाप ने साडे ते उन्हां ने लिख देना पुण बस उन्हां दी लिखी हुई चलनी है साडे ओह कौड़ियां दे भी मिठे कर सकदे आ अन्यां नूं भी सजाखे कर सकदे पिंगल साधु संग दी महिमा बारे दस्या कि पिंगला भी पहाड़ चढ़ जाएगा खड़ भी बक मूर्ख भी जेड़ा है वो लोगों नूं समत देन वाला समझाउण वाला बखता बन जाएगा एक एक तुसी सुनते रहेंदे हर प्रोग्राम च हरी की दास दे नाल बाबा जी कोल बीतियां हुई हैं कि किवें उन्होंने मूर्ख तो बगता किया किवें उन्हें पिंगले नूं बल बख्शिया पिंगल पर्बत पार परे खल चतर बकीता अंधले त्रै पवन सूझिया गुर भेट पनीता ते सतगुरु परमेश्वर कहिंदे आ जे मेरे तक पहुँचना है ते मेरे दासां दे कोल जाओ उन्हां दी संगत करो उन्हां दी सेवा करो उन्हां दी खुशियां लो मेरे दास निन मेरो निज रूप अगे दर्शन निमख ताप त्रई मोचन परसत मुक्त करत ग्रह कूप ओ दास दी एडी वड्डी वड्याई है कि एक निमख दर्शन तिन्ने ताप खत्म आदियां व्याधियां उपाधियां जिहड़ियां चंबड़ियां ना हर तरह दे पाप तिन्ने ताप कहिंदे ने उंदे दर्शन तिन्ने ताप खत्म करके रख देंगे ते ताप त्रिमोचन परसद मुक्त करत ग्रह को बस उन्हां नूं परस लो ते मुक्त हो जाओगे कलयुग दे खूह तो कलयुग दे समुंदर सागर तो सिर्फ परसन नाल ते दर्शन तिन्ने ताप खत्म धन बाबा कुंदन सिंह जी अगली मेरी बांदी भगत छुड़ावे बांदे भगत ना छूटे मोहे मेरी बद्धी हुई मेरे कीते हुए भगत मेरा तोड़ सकता है पर जेड़े मेरे भगत दे कीते हुए मैं तो तोड़ ही नहीं सकता इस करके महापुरश का तकिया किते भी नहीं था कर्मा का मारिया रब का तकिया सारिया दुखा का मारिया होया महापुरश हरा कर देंगे पर जेकर साधु बाने तक दिता है तो फिर उन्होंने कोई ठाहर नहीं फिर तो वह थां थां तक ही खाएगा जिन गुर गोपिया अपना ते नर बुरियारी
हर हर दिन का दर्शन ना करो पापिष्ट हथियारी। जो जो संत सरापया से फिरे पवंते, फिर नहीं कोई टिकाणा। मेरी बांधी भगत छड़ावे, बांधे भगत ना छुटे मोहे। एक समय मोको गह बांधे, तो फुन मो पे जवाब ना होए। कहिंदे एक समय मेरे भगतां ने मैनू भी बन लिया सी। चतुर्भुज पंछी दी कद कथा आउंदी है कि मैं कुछ बोल नहीं सकिया सी, मैनू कोई जवाब नहीं सी मेरे कोल। मेरे भगत ने मैनू बांध लिया सी, बन लिया सी ते मैं छुट नहीं सकिया, मैनू भी बढ़ता सी। हाँ जी, मैं गुण बंद सगल की जीवन, मैं गुणा दा खजाना, गुण बंद सारे संसार नू जीवन दे सकदा। अगे मेरी जीवन मेरे दास, मैं जीना आपदे दासां दे सिर ते, परमात्मा परमेश्वर कह रहे। ये उन्हां दे बचने कि सारा संसार मेरे सदका जींदा है, खंड ब्रह्मांड सारे धरती आकाश पताल, पर मैं जीना आपदे प्यारियां दे आसरे, अपने दासां दे। मेरी जीवन मेरे दास, नाम देव जाके जी ऐसी, तैसो ताके प्रेम प्रगास। बस जिंदे जी ऐसी ओ हो जे उंदे अंदर प्रगाश हो जाएगा। इस करके महापुरखां दी वडियाई है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज आए, पता नहीं किन्ने कु महापुरश उन्होंने बनाते, किन्ने उन्होंने कोल आने वाले, उन्होंने जुड़े हुए, उन्होंने संगी भी संत बन गए, उन्होंने रागी भी महापुरख बन गए, उन्होंने हजूरीए भी महापुरख बन गए, उन्होंने पानी ढोण वाले भी महापुरख बन गए, उन्होंने पहरेदेर वाले भी महापुरश बन गए, उन्होंने कुल भी महापुरश बन गए। धन बाबा आनंद सिंह जी, एडी वड्डी अकाल पुरख की शक्ति सी कि जिन्हें पता नहीं किन्ने कु महापुरश बना दे, किन्ने कु ही साधु बना दिते। हाँ जी पढ़ दो जी। एक पीर दे मुलखा ही मुरीद हो गए, मरीद लखा पीर हो गए, एक पीर दे, एक पीर दे मरीद लखा पीर हो गए, एक पीर दे, एक पीर दे मरीद लखा पीर हो गए,
तन धन किया है। धन गुरु अर्जन देव जी कहते ने जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मलाए लए प्रभ सोए। जिन्हें जान लिया है ना उन्हों सदा ही सुख बन गया, तो प्रभु ने आप मलाए। पर जिन्हें जेड़े उन्होंने आप मलाया ना, पता वो कौन है? वो तनुमंत ने, वो ही कुलवंत ने, वो ही पातवंत ने। जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, वो ज्योंदे ही मुक्त ने। जिन्हों के हिरदे च रब वसदा है, जिन्हों के हिरदे च परमेश्वर वसदा है, तो धन गुरु अर्जन सिंह महाराज कहते ने धन 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 जन आया। वो जन धन है जिंदी कृपा नाल सारा संसार तर गया, जिस प्रसाद सब जगत तर आया। जन आमण का यह सुभाव, उन्होंने आने का मतलब ही स्वार्थ ही यह सी कि उन्होंने संगत च रब चेते आता है, उन्होंने संगत विच नाम चेते आता है। आप मुगत मुगत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। ऐसे महापुरखा नू सदा ही नमस्कार है। पुछो साहब पाठ शुरू हो जाते हैं, 3 बजे का टाइम है, तो हुण साड़ी समाप्ति है। उतों का इतों का समागम नाल चल रहा है, तो संगतां ने इत्थे हुण बनावे तो बाद पाठ शुरू करना है। कोशिश करया करो भी पाठ तो बगैर कोई ना जाया करो। इशनान करना इशनान कर लो, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਛਕ ਲਓ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਉਠ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਓ, ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਬਣਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ। ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਟੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਨ ਸਕਤ ਕਾਇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਠਰੇ ਕੇਤੀ ਸੁਖੀ ਨਾਇ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਨ ਸਕਤ ਕਾਇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਠਰੇ ਕੇਤੀ ਸੁਖੀ ਨਾ, ਕੇਤੀ ਸੁਖੀ ਨਾ, ਸੁਖੀ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁੱਖ ਪਿੰਡ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦਇਆਲ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁੱਖ ਪਿੰਡ ਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦਇਆਲ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗਰਾਤਾ ਰਹਾਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੂ ਕਰ ਲੀਨਾ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਤਾਕੋ ਬਿਘਨ ਨ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੈ ਰਾਖੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ,
अमृत हर रस चाखे कर सेवा सेवक प्रभु अपने जिन मन की इच्छ पुजाई नानक दास ताकै बलिहारै जिन पूर्ण पैज रखाई कर सेवा सेवक प्रभु अपने जिन मन की इच्छ पुजाई नानक दास ताकै बलिहारै जिन पूर्ण पैज रखाई